तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा है प्रिथला के विधायक नयनपाल रावत के निवास का, जहां पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनहित के काम कर रहे हैं और जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं वे भ्रमित हैं, जल्द ही इनके दिमाग में भी ये बात आ जाएगी। वयोवृद्ध किसानों का कहना है कि कृषि कानून से कोई भी नुकसान नहीं है। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वे बहकावे में आ गए हैं। उनका मानना है कि जल्द ही इस धरने को समाप्त किया जाना चाहिए। आज जो किसानों के मुद्दे थे वो भ्रमित कर दिए, लेफ्ट वाले कांग्रेस वाले वो किसानों को पीछे करके किसानों की पीठ पर पैर रख के सत्ता पाना चाहते हैं, वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। पूरे विश्व में इस बात का शोर मचा है कि किसान के नाम पर ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं, जो ऐसा करते हैं ये लोग। लेकिन मोदी जी से एक मांग करते हैं कि अगर किसानों की समस्या कुछ है तो बैठ करके किसान और मोदी जी इसको सुलझाएं। ये लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली में हुआ किसानों ने नहीं किया, किसान बदनाम किए। यहाँ किसान बैठे हुए हैं, किसान के बेटे ही पुलिस में थे, किसान के बेटे मिलिट्री में, और किसान ही वो जो खेत में हल चलाते हैं। किसान कभी भी किसान के बेटे पर हमला नहीं करे जो पुलिस में है। ये जो आह्वान किया गया ये पूरी तरह से गलत है। सच बात तो ये है कि इन लोगों ने किसान का मुखौटा पहन रखा है, ये कोई भी किसान नहीं है। इन्होंने किसान को बदनाम कर दिया है। ये जो धरना चल रहा है ये धरना सारा हाईजैक हो चुका है। अगर ये किसानों का धरना है तो ये कांग्रेस और जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं ये वहाँ पर क्या कर रही है? इससे हमारे देश की जो है ना पूरे दुनिया के अंदर बहुत बदनामी हो रही है। हम तो सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि इन सब बातों को छोड़ करके इन्हें जल्द से जल्द सरकार से सुलह कर लेनी चाहिए। आज का जो आह्वान है उसमें तो हम गए नहीं है, जब तक काम चालू हुए हुए हम तो एक दिमाग तक कह रहे हैं कि भाई जो हमें छोटी मोटी कमी है वो जा मोदी जी मान रहे हैं, और जो सही बैटरी है वहाँ मान लेनी चाहिए। और मानने के बाद भी जो फ्री फंड को जो कलेश मचा रहा है क्यों है, और यहाँ बदनाम करे जा रहे हैं किसानों के पीछे, जो बीमारी बुबरी है वह बीमारी है, मरण दो और उन्हें पकड़ दो। वहीं प्रिथला के विधायक नयनपाल रावत ने भी बताया कि फरीदाबाद क्षेत्र के तमाम किसान कृषि बिलों के पक्ष में हैं और सैकड़ों किसान उनके पास यहां भी बैठे हुए हैं। ये धरना विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहा है और जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं उनको भ्रमित किया हुआ है। देखिए, ये जो इतने यहाँ पर किसान और हमारे भाई जो आए हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि फरीदाबाद में किसी प्रकार का चक्का जाम का कोई असर नहीं है। प्रिथला विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे ग्रामीण, बहुत सारे जो किसान हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और आप इनके व्यूज़ ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि कृषि कानूनों का इन पे क्या असर है, कृषि कानून किस हक में हैं, क्या किसान के हक में हैं या और किसी के हक में हैं, तो उस पर आप इनसे पूछ भी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई चक्का जाम प्रिथला में और फरीदाबाद में किसी प्रकार का नहीं है, और जो चक्का जाम कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि वो कोई राजनीतिक लोग हो सकते हैं, और किसान के नाम पे चलाए हुए कोई बाहर की शक्तियों के जो लोग हो सकते हैं, जो बाहर की कंट्री हैं जो उनको मदद दे रही हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की जिद पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ कुछ किसान इन कानूनों का समर्थन भी कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।